बोला चलो बैठ जाते कपल बन के और मेरी वीडियो बना लो कि मैं भी और एक चीज दिखाओ, खुद तो पिटेंगे या हमें भी पिटवाएंगे साथ में। अभी चालान काटते वो तो गाइस ये देखो लड्डू दिया है, इधर आर्मी लोग है ना, ये बैठ भी लायक बुदेव कितनी सुंदर। चल इधर, हाँ इसी वीडियो में ही कर लो खौक। तो ये खंडेराव बाबा का मंदिर है, ये नहीं के मिलिट्री कैंप के अंदर में एक पहाड़ है, ताला लगा दिया है। जय मल्हा। मानसा उनकी पत्नी थी, बानू उनकी प्रेमिका। मैं अभी थोड़ा क्रीम पाउडर कर लेती हूँ और अभी हम लोग घूमने का प्लान सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कहाँ जाना है। कपड़े तो पहन लिए मैंने नए, इसमें बहुत उबासांसी हो रही है पता नहीं क्यों, लेकिन अभी जाएंगे ना। बाइक से गाड़ी तो है नहीं हमारे पास, गरीब है, गाड़ी नहीं है यार, तो इसकी वजह से ना मुझे बाइक से ही जाना पड़ेगा। जहाँ भी जाएंगे बाइक या स्कूटी तो हवा लगेगी, इसलिए मैंने ये फुल वाला पहन लिया। पहले मैं चाय बना लेती हूँ क्योंकि चाय नहीं पीऊँगी तो मुझे नींद नहीं आएगी, मतलब चाय पी लेंगे तो नींद नहीं आएगी मुझे, और चाय नहीं पियेंगे तो मुझे नींद आएगी रास्ते में गाड़ी पे। और एक बहुत अच्छी खुशखबरी मिलने वाली है आप लोगों को, पता है नासिक में महादेव आने वाले हैं बहुत जल्दी, बहुत मज़ा आएगा, मैं तो उधर ही रहूँगी 5 दिन। वाह वाह वाह, ये क्या किया, बिस्किट बर्बाद कर दी। किधर गया, किधर गया, क्या किया तूने, बिस्किट क्या कर दिया, बर्बाद कर दिए। कान्हा जी से पूछो, चलो मैं चला जाऊं क्या, पूछ का जल्दी फटाफट, घूमने तो गाइस अभी हम लोग आए हैं बहुत अच्छे मंदिर में, खंडेराव मंदिर में। खंडेराव महाराज हैं जो कि पूना में है, लेकिन यहाँ मिलिट्री साइड में भी हैं, आर्टिलिटी सेंटर, आर्टिलिटी सेंटर है ना, आर्टिलरी सेंटर, सही बोला मैंने। खंडेराव बाबा मैं तुमको लेने आ रहा हूँ। नहीं बाबा तुमको मैं लेने आ रहा हूँ, तुमको खंडेराव को बोलते हैं मेरे बाबा। हाँ खंडेराव बाबा को भोले बाबा बोलते हैं। अच्छा तो गाइस देखिए मैं जय मल्हार मंदिर आ गई हूँ। क्या आवाज आ रही है, चलो मैं हैंड देखो वॉश कर लो, हैंड देखो वॉश कर लो, बंद है मंदिर। ओ शिट मंदिर तो बंद है रे बाबा, अरे बाबा 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 रे बाबा, मेरे बाबा बोल बाबा, ओ नंदी बाबा, ओ नंदी बाबा, तुम बताओ। जय मेरे शंभू, जय मेरे त्रिकालदर्शी। अरे यार ये तो बंद है खंडेराव मंदिर, शिट ताला लगा दिया है। जय मल्हार, जय खंडेराव महाराज, बंद है। साढ़े 11 बजे तो कहा आएंगे, लेकिन अभी आए नहीं आएंगे, देखो
इतना लेट खोलते हैं? जय मल्ला, जय खंडेराव महाराज। ये ना भोले बाबा के स्वरूप हैं। भोले बाबा ने धरती पर रूप लिया था खंडेराव महाराज का, और इनकी दो बीबियां हैं, है ना? दो बीबियां ना, इन्होंने भी लव मैरिज की। लव मैरिज की थी महारसा भाई और बानू। बानू से प्यार करते थे, महारसा से ब्याह किया था। महारसा उनकी पत्नी थी, बानू उनकी प्रेमिका थी। जय मल्हार। ये खंडेराव बाबा का मंदिर है, ये नहीं क्या मिलिट्री कैंप के अंदर में एक पहाड़ है, पहाड़ पर वो अभी हमने आपको दिखाया था जहाँ पर वो पड़ा था आर्मी मैन के अंदर के, वहीं पर नहीं क्या? ये देखिए यहाँ पर ही खंडेराव मंदिर आगे से है, और उसके पीछे से ये उसका गेट एक और है, वहीं से निकलते हैं। यहाँ पर देखिए साईं बाबा का भी मंदिर है, मैं आपको यहाँ का दृश्य दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये शिवांगी, आज कुछ तो यहाँ पर प्रोग्राम है इसीलिए मिलिट्री वाले बहुत घूम रहे हैं यहाँ पर, आगे जाने नहीं दे रहे। लेकिन दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पर, नहीं क्या? ये देखिए हम लोग कैसे यहाँ से पहाड़ पर चढ़कर आए, और वहाँ पर देखो नासिक दिख रहा है ये, यहाँ पर इधर इधर वो सर कल खुल जाएगा क्या? क्या हो गया? आदमी दे देते वो पी लेते। वो देखो एक और पहाड़ है, ये बहुत भयानक जंगल है यहाँ पर, नहीं क्या? जंगल ही जंगल है। और जंगल में हम मंगल करने आए हैं। यहाँ पर देखा मैं दिखाता हूँ, ये देखो ये बदतमीज है। मैं इतनी सुंदर हूँ, क्या करूँ क्या करूँ? ऐसा करना बोला, मैं इतनी सुंदर बोला हल्ले, इसको इतनी शर्म आती है। ये यहाँ से ऐसे रास्ता जाता है, ये रास्ता भी नहीं है जंगल में, उधर पे नहीं है एकदम लास्ट में कुछ तो भी पहाड़ भीड़ है वहाँ पे दिखेगा। ये देखो आज भीड़ नहीं है, नहीं तो बहुत भीड़ होती है ना। अभी वो अंकल ने वही बोला ना, वो फौजी अंकल थे। बता देना पापा को कौन मिला था, बताना इधर बताओ। इधर कौन मिला था? अभी अभी कौन मिला था वो बताओ, क्या नाम था उनको, वो कौन थे? वो फोन में देख के बताओ कौन मिला था। फौजी फौजी, ये फौजी क्या होता है? तुम बोलो फौजी। यस तुम भी क्या बोल रहे हो? मैं भी फौजी बनना था। तुम क्या बनना चाहता हूँ क्या? हाँ फिर क्या करोगे, कैसे चलाओगे? पकड़ तो पाते नहीं हूँ, डिच क्या हूँ? मैं तो पकड़ता हूँ ना। कैसे चलाओगे बंदूक? तोती भी कौवा, उसको तोती पकड़नी आती है। तोती कैसे चलाओगे? ऐसे चलाऊंगा। मैं ऐसे पकड़ लूंगा, मैं तो आतंकवादी हूँ, मैं पकड़ लूंगा ऐसे इसको। तो गाइस देखिए ये इमली तोड़ रहे हैं, देखना कैसे तोड़ते हैं इमली। डंडी देखो पहले इनकी। और ये हंस देखो क्या खा रहा है, क्या खा रहे है बच्चा? ये क्या है? तोड़ो तो गाइस ये देखो लड्डू दिया है, इधर आर्मी लोग है ना उन लोगों ने दे दिया यांस को लड्डू खाने को, है ना बच्चा? ये देखो जलेबी तोड़ कर रहे हैं। तुम तोड़ना तो 10 रुपए देंगे तुमको। बड़ी अच्छी बड़ी बड़ी बच्चे आ रहे हैं, काउंटर के सारे लड्डू बिक रहे हैं। वो देखो वो बंदूक ले ली उन्होंने। गाइस देखो हम दर्शन करके आ गए, और एक घंटा हो गया तब से ये लोग देखो बैठे हैं आदमी महरिया, और हमारा आदमी तो हमारे पास बैठे तो पगलाए जाए। वो तो ऐसी होना चाहिए बैठे लाए। वो देखो कितनी सुंदर। चल इधर फैलो इधर फैलो। अगर मैंने धक्का मारा ना नीचे ही पहुंचोगे जाके, मिलिट्री वाले कहेंगे ये क्या आ गया। देखो ऐसे कपल होते हैं, एक हमारा कपल, कपल ही नहीं है हमारा तो। ए तुम सच में कभी भी मेरे साथ नहीं चलते हो।
चल आयांश को देखो लड्डू मिल गया, एक लड्डू बाकी है। चल वे झूला, हाँ इसी वीडियो में ही कर लो खौक। तो गाइज अभी ऊपर जो कपल देखे थे ना, तो मैंने वीडियो बना ली थी तो उसकी वजह से इनको शर्म आई, तो इन्होंने बोला चलो बैठ जाते कपल बन के और मेरी वीडियो बना लो कि मैं भी और एक चीज दिखाऊं वो देखो कहाँ भग गया, और वो देखो कहाँ, वो देखो दिख भी नहीं रहा, वो देखो थोड़ा सा दिख रहा है देखो इतनी धूप में। देखो है, 2 मिनट नहीं बैठ सकता ये आदमी मेरे पास। अभी फिरंगी आ जाए तो देखो कैसे उनकी खोपड़ी में नाचेंगे। वॉचमैन है, तो गाइस ये देखिए बहुत अच्छा है, बहुत गार्डन है इधर, बहुत झूले हैं। शाम के टाइम पे और मज़ा आता है, लेकिन कैसा मिलिट्री कैंप है ना, तो इसके वजह से ना आर्मी लोग इधर बहुत सारे हैं, तो कहीं कहीं पर अलाउड करते हैं कहीं कहीं पर नहीं। अभी कुछ यूपी साइड के और अपने साइड के इधर के भी थे जो कि अच्छे से बिहेव कर रहे थे, और आयांस का तो एक फ़ोटो भी निकलवाया था लेकिन मैं फ़ोटो लगा नहीं सकती, कैसा ड्यूटी की बात है भैया, कहीं कुछ हो जाए तो फिर मेरा और ब्लॉग चैनल बर्बाद हो जाएगा। तो ये देखिए वो झूला झूलने गया इतनी धूप में, मैं तो इधर छाया में बैठी हूँ। बाबा रे बाबा ये जिगरा ध्रुम। तो गाइज मैं तो थक गई हूँ, मैं तो इधर ही बैठी हूँ, बहुत तेज़ धूप है। लेकिन पता है मंदिर नहीं खुला, मैं इनको बोल रही थी मंदिर नहीं खुलेगा, शाम को चलेंगे शाम को चलेंगे, लेकिन ये माने नहीं। अभी छुट्टी चल रही ना, 2 दिन की और छुट्टी है, तो इसकी वजह से इधर आ गए घूमने। आयांश को भी अच्छा लग रहा है, अच्छा तो लग रहा है लेकिन शाम के टाइम अच्छा लगता है ज़्यादा। तो अभी देखते हैं क्या क्या करते हैं हम। खाना पीना तो खा के आए थे क्योंकि भूख लग रही थी, और ये हेलमेट पहना ना इसकी वजह से बिल्कुल जस्ट जैसे ही वो उनका मतलब एंट्री गेट था ना, वहीं पे हेलमेट निकाल भी नहीं रहे। मैं उनको बोल रही हेलमेट तो दे दो, क्योंकि एक बार हम लोग आ चुके हैं इधर तो, और पता भी है कि इधर बिना हेलमेट के अलाउड नहीं है, तो मैं उनको बोल रही कि हेलमेट तो दे दो। वो निकल के ही आ गए, आर्मी मैन जो सिक्योरिटी गार्ड था वो बोल रहा है कि हाँ इधर ही पहनोगे, उधर से पहन के आना था ना, तो पता ये नहीं बोल रहा कि बहुत दूर से हम आ रहे हैं, पहने थे थक गए थोड़ा सा, सिर में दर्द होने लगा, ऐसा कुछ नहीं। क्या बोलते हैं कि इसने लगाया नहीं, इसने बोला उधर ही लगाएंगे चल के। ऐसे हमारे पति देव हैं, मतलब खुद तो पिटेंगे हमें भी पिटवाएंगे साथ में। अभी चालान काटते वो 500 रुपये का, तुरंत टिट्टी टिट्टी हो जाती इनकी। अब देखो दोनों धूप में झूला झूल रहे हैं, हमारे पास बैठ ही नहीं सकते, बिल्कुल हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि बैठेंगे तो तुरंत लड़ाई, बैठेंगे तो तुरंत लड़ाई। मैं बोलती हूँ साउथ तो वो बोलते हैं नॉर्थ, ऐसे ही होता है। चलो अभी चल रहा है झूला के साइड में, देखते हैं क्या चल रहा है।